के लिए। इस वक्त मैं हूँ उकलाना हल्के में और मेरे साथ आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कुछ कार्यकर्ता भी हैं, कुछ गांव के लोग भी हैं। इनसे जानते हैं जैसे उकलाना हल्के में भारतीय जनता पार्टी को लेके किस तरह का माहौल है और यहाँ आशा खेदर अपील के लिए आई हैं, उनसे उनको लेके लोगों में किस तरह रुझान है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट आशा खेदर को यहाँ से जितवाएंगे और इस बार कमल खिलाने का काम करेंगे क्या। हाँ जी भाऊ जी, क्या नाम है आपका? अच्छा नम्रता जी, आप बताओ यहाँ उकलाना हल्के में कैसा माहौल है? बहुत अच्छी पोजीशन। किसकी पोजीशन अच्छी है? आशा रानी की। तो क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा यहाँ से? बिल्कुल खिलेगा। तो आज तक के 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह के विकास करे हैं? बहुत अच्छे बहुत विकास करे हैं। क्या गिनवाइए कुछ? संतुष्ट आप कार्यकाल से? हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? वीरू प्रधान परिहारी जी। प्रधान जी, आप बताओ कि उकलाना हल्के में जो विकास कार्य हुए अब तक के भारतीय जनता पार्टी, कितना खुश हो आप? बहुत खुश हूँ। तो क्या लगता है इस बार जो टिकट दिया गया कैंडिडेट सही है वो? बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। अच्छा, अब लूट लिया, लिया, बारा, कई लूट लिया देश ने बैठ सकता। अच्छा, और आसान देखिए 5 साल एक भूख खिंचला कर लाए नहीं। हाँ। अच्छी माड़ी में जावा है। हाँ। मेहनत कर रखी, मेहनत करेंगे तो मिलेगा इसकी। अच्छा, तो कितने को लगता है किसी के साथ मुकाबला रहेगा या नहीं? हमारा मुकाबला आपको पाजेगा आपको। अच्छा। कोई मुकाबला किसके लगा? अच्छा, पल्ला को लड़ा गुना से सारे कोई मुकाबला नहीं है। एक जमाने से एक निकाम करा, एक आदमी को आधे मेरे साथ मिला दे एक काम सीधा करवा दिया। अच्छा, और तो आपको लगता है कि इस बार कमल उकलाना हल्के जमा लक्ष्मी कमल पे बैठा रहा है? लक्ष्मी कमल पे। अच्छा, कमल खिला पूरा। तो इस विकास कार्य उसके बाद कैसे होंगे? फुल होंगे, जो बाकी बचे फुल होंगे। फुल होंगे, मुकाबला किसी से नहीं है। क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आप बताओ जैसे उकलाना में कैसा माहौल है? माहौल है बिल्कुल जमा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जमा। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई लोग दौड़ में थे आशा खेदर को टिकट दिया तो सही किया है? सही कर जमा। अच्छा, बिल्कुल एक नंबर काम है। तो मतलब किसी के साथ मुकाबला हो गया नहीं? कोई मुकाबला नहीं, एक तरफा माहौल है। तो क्या विकास कार्य अब तक के विकास करे हैं भारतीय जनता पार्टी ने तो कितना जमा? फुल बहुमत से। बहुमत से तो जीतोगे, लेकिन संतुष्ट कितना विकास कार्य? सारे संतुष्ट है, तो कहने लग रहे हैं जी। अच्छा, संतुष्ट हो। हाँ जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? अनिल पुनिया। पुनिया जी, आप बताओ कि कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया। आप जैसे आप युवा हो, युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? बहुत कुछ किया है, और 2014 में भी हो सकता आशा को टिकट मिल जाती तो कमल का फूल उसी टाइम खिल जाता। अच्छा, और अब तो बिल्कुल फाइनल है। तो कितने मतों से यहाँ से विजय होंगे? लगभग 30+ से। तो मुकाबला जैसे पूर्व विधायक नरेश शेरवाल भी मैदान में, और विधायक जैसे जेडीपी की तरफ से अनूप धानक भी मैदान में, उधर से खेदर गांव से एक महिला कांग्रेस, उनको भी टिकट मिला है, तो क्या लगता है मुकाबला रहने वाला है? नहीं, इन तीनों का तो टिकट बंटवारे में ही आपको पता चल गया होगा, इनके साथ अभी कोई मुकाबला नहीं, अब तो कमल ही खिलेगा। कमल ही खिलेगा, बिल्कुल। तो कितना विश्वास है आशा जी अगर जीत के जाएंगे तो किस तरह के कार्य करेंगे? देखो, युवा नेत्री है और हल्के में युवाओं को और महिलाओं को और लड़कियों को कॉलेजों की जरूरत है जी। और ये बात समझ सकती है, जो समस्या हल्के में फिलहाल चल रही है वो सब समझ सकती है, खुद युवा है जी। इसलिए भाजपा का यहाँ से कैंडिडेट फाइनल। जैसे लोगों का ये भी कहना है कि आशा खेदड़े युवा है और भारतीय जनता पार्टी के एक युवा को यहाँ से टिकट दिया, अगर यहाँ से कमल खिलने का काम होगा, हल्के का विकास होगा। जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं हमारे सिटी बिग न्यूज फेसबुक के पेज में, उसको शेयर करें, लाइक करें। और हम लोग अलग अलग इलाके में जा रहे हैं, हिसार लोकसभा क्षेत्र सभी हम कवर कर रहे हैं, लोगों के अलग अलग प्रतिक्रिया आपके सामने भी आ रही है, जैसे कहीं विरोध भी करते हैं, कहीं पे पक्ष में भी हैं, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया, हम इसमें कोई कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन आप देखिए और लोगों से भी हम जानेंगे इसमें। आप बताओ जी कैसा माहौल है? एक तरफा माहौल है जी बीजेपी का। बीजेपी का एक तरफा कैसे हो गया? कोई भी कैंडिडेट अब की बार जमानत नहीं बचा पाएगा सर, कोई कुर्सी पर। ऐसा क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने योग्यता के आधार पर नौकरियां दी है। हाँ हाँ। सभी धर्म सभी जातियों का एक समान देखा है, किसी भेदभाव की नीति से कोई कार्य नहीं किया बीजेपी जी। तो आशा खेदड़ को यहाँ से मैदान में उतारा भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक किया? आशा खेदड़ यहाँ से कम 10 साल पहले से सक्रिय भाजपा में कार्य कर रहे जी, सक्रियता से। हाँ, सक्रियता से किया है तभी तो पार्टी ने, पार्टी में तो काम कर रही है। हाँ, क्या जनता के बीच जनता का काम करेंगे जीत के जाएंगे तो? बिल्कुल जी, युवा नेत्री है, उम्मीद है आपको, इसकी सोच भी बढ़िया है जी। अच्छा, हर हर गांव में मिलनसार है, गांव में अच्छे कार्य किए, पहले भी करी गई, कोई काम के लिए किसी को मना नहीं किया जी। क्या नाम है जी आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, आप बताओ कि जैसे अगर आशा जी यहाँ से जीत के जाएंगे तो कितनी उम्मीद है आपको? 100% जीतेंगी, सबकी जमानत जब्त होगी। अच्छा,
हम इस बात में नु कहो वहाँ की दस जिस गांव हम जाओ वहाँ उस गांव के लड्डू शहर के लड्डू खत्म हो जाए। अच्छा क्या आशा जी को तोल तोल के अच्छा। और हमारे गांव में मतलब जितने भी भाई गांव के हैं वो लड्डू बिना रहंदा को नहीं, शाम में रोटी खानी बंद कर। वही मैं कहने वाला था, रात को जाके रोटी तो नहीं खाते, रोटी कौन खाते, लड्डू दे पेट भर गया, लड्डू नहीं पंदे ना बरवाले पंदे ना उकलाने पंदे, फिर लिया पेठा मिठाई लिया है, पेठा मिठाई खत्म हो जाए, फिर क्यों सेबा में तोले सेब भी खत्म हो जाए हैं। जैसे लड्डुओं से तोल रहे हैं, सेबों से तोल रहे हैं, जिस तरह से इनको तोल रहे हैं उसी तरह जीत के जाने के बाद उकलाना किसी और हल्के के से तुलना करेंगे। बिल्कुल, ये सब विकास कार्य में आशा जी कोई कमी नहीं छोड़ेगी, बहुत मेहनती है, लगातार 5 साल से फील्ड में मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हाँ जी, क्या नाम है जी आपका, आगे आइए। ओम प्रकाश जी, आप बताओ, बुजुर्ग भी हो, आपने कई चुनाव देखे होंगे, तो उकलाना हल्के में कैसा माहौल है? माहौल है जी, अपना आशा क्षेत्र का ही उकलाना में तो। अच्छा, 100% जीतेगी। अच्छा, और हमने तो ऐसे सोच लिया जी के जो सीएम है अपने खट्टर साहब, चाहे किसी को टिकट दे दो, हम उसी के गेल रहेंगे। अच्छा, ये शुरू से कर दिया। आपने तो कह दिया था जिसको टिकट मिले उसके गेल रहेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के कट्टर हो गए। लेकिन अब आशा खेदड़ जी को यहाँ से टिकट मिला तो कितने मतों से जिताएंगे? ये कम से कम 30-35 हजार से वोटों से जीतते, 30-35 हजार वोटों से। अच्छा, हाँ जी, हमारे बीच और आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, आप बताइए जी कैसा माहौल है? देखिए, जो अभी जो सरकार है उसका, उसने जो काम किए हैं सर, जो मोदी जी ने काम किए हैं, मतलब कभी लग रहा मेरे तो जो मोदी जी ने, जो खट्टर सरकार ने यहाँ काम किए हैं, जैसे कि जो ना जो ट्रांसफर होती थी पहले स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी, उनमें हमने देखा है भाई किस तरह से धांधली चलती थी, और जितने ऑफिस हैं, जितने सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार था। तो इस सरकार ने जो है ना इन चीजों को, युवाओं का दिल जीता है, तो जो हमारी जो व्यवस्था थी उस पर जंग लगा हुआ था, इस सरकार ने जो है ना हमें एक विजन दिया है, एक सपना दिखाया है, तो हम उस सपने को जो है ना साकार करना चाहते हैं, एक बार इनको मौका देना चाहते हैं एक बार और। शायद हमें लगता है इस सरकार ने जो काम किए थे उनमें कुछ अभी और खामियां रही हैं, या जो और कुछ करना है, तो हम इनको जो ना दोबारा से मौका देना चाहेंगे। इसलिए जो ना हम अपने दिल से जो ना इस कैंपेनिंग में भाग ले रहे हैं भर बढ़ चढ़कर, और हमारी जो ना उम्मीद भी है इनसे, और हमारी उम्मीदों पे खरा भी उतरेंगे, ये हमें विश्वास है। आपको क्या लगता है कि आशा खेदड़ जैसे पढ़ी लिखी भी हैं, युवा भी हैं, और जैसे सक्रिय भी हैं, तो आप क्या समझते हैं उकलाना हल्के से किस तरह का जीतने के बाद क्या विकास कार्य में इनका योगदान होगा? देखिए, जीतने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पार्टियां थी, जो नेशनल पार्टियां थी, जब उन पार्टियों ने ही उन कैंडिडेट्स पे विश्वास नहीं दिखाया कि ये विनिंग कैंडिडेट हैं, ये इस सीट को निकाल देंगे, या ये जो ना जीत के जो ना विधानसभा में पहुंचा देंगे यहाँ की सीट को, तो इस हिसाब से हमें नहीं लगता कि पब्लिक भी उन पर भरोसा करेगी। जब उनकी पार्टियों ने ही उन पर भरोसा नहीं किया, तो ऐसी कैंडिडेट के ऊपर मेरे हिसाब से पब्लिक भरोसा नहीं करेगी और नहीं देगी उनको। जी, तो इस बार क्या लगता है आपको कि पहली बार उकलाना से कमल खिलेगा? देखिए, हमारा तो मकसद है कि पूरे हरियाणा में कमल खिले जी। और रही बात आशा जी की और इस विधानसभा की, तो जहाँ पे भी हम जाते हैं पूरा सहयोग मिलता है, और बाद में भी जैसे हम चर्चा करते हैं चौपाल पे, चाय पे, या अपने भाई जो दोस्त हैं उनसे चर्चा करते हैं, तो हमें जो है ना अच्छा रिस्पांस मिलता है। जैसे आशा जी लड्डू से कितने लड्डू खा जाते हो दिन में? रही बात लड्डू की, तो लड्डू तो देखो बड़ी अच्छी बात है, ये जीत के बाद जो है ना पब्लिक को भी मिलेंगे लड्डू, जो अभी चलो आप अभी तो आप लोग खा रहे हो। हाँ, अभी हम खा रहे हैं जी। आप बताइए क्या नाम है सर आपका? जोगिंदर। थोड़ा आगे आ जाइए जोगिंदर जी। तो जोगिंदर जी, जैसे जा रहे हो लोगों के बीच, किस तरह का माहौल लग रहा है, कि एक तरफा लग रहा है या कंपटीशन होने वाला है? नहीं, एक तरफा माहौल है जी। एक तरफा माहौल, मतलब कि न्यूट्रल बताना आपकी, जैसे कि एक होता है ना कि नुमाइंदी आप कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन आप न्यूट्रल हिसाब से आपने उकलाना हल्के के विकास कार्यों के लिए, और उस हिसाब से आप बताइएगा। एक पढ़ी लिखी नेत्री है जी, अच्छी सोच है, युवा नेत्री है, बहुत अच्छे काम करते हैं। तो पार्टी ने सही किया टिकट? बिल्कुल सही किया। तो इनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं मानते आप भारतीय जनता पार्टी में था? नहीं जी, नहीं था मुकाबला, नहीं था। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? कुलदीप जी, आप बताओ कि जैसे आशा जी उकलाना हल्के से जीत के जाती हैं, तो आप पहला काम उनसे क्या सोचते हैं कि ये काम होना चाहिए? देखो जी, पहले काम तो अगर मैं पर्सनली मानता हूँ, तो बस हमारे गांव के अंदर एक कॉलेज खुलना जी, क्योंकि सबसे पहले तो अधिक खुद की स्वच्छता जी, जी। दूसरी बात यह है कि जो लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं उनके लिए परिवहन की जी जो व्यवस्था है ना, बसों की समस्या से होनी चाहिए जी, क्योंकि मतलब लड़कियां पढ़ने के लिए सुबह बस स्टैंड पे खड़ी होती हैं, उनको बसें नहीं मिलती जी। और इसके इस क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए
जी, जैसे कि मैंने हमने बातचीत भी की, इनका लोगों का भी यही है, उकलाना हल्के में बसों को लेकर समस्या है और बस की सुविधा के लिए आशा जी को पहले तो कॉलेज के लिए, फिर बस की हर जगह बस पहुंचे, हर गांव में बस पहुंचे, ताकि बच्चे पढ़ने जाले बच्चे उनको दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। और लोगों से वहाँ बात करेंगे, जैसे आप सिटी बिग न्यूज फेसबुक पे आप देख रहे हैं, लाइक करें शेयर करें इस पेज को। क्या नाम है जी आपका? रघुवीर सिंह। पुनिया साहब आप ये बताओ कि जैसे उकलाना हल्के में कैसा लग रहा है माहौल इस तरफ? माहौल कोई बराबर ही नहीं है, बराबर ही नहीं है, कोई 10-10 हजार रुपए नहीं पहुंच पाऊंगा। अच्छा, जेजेपी है वो INLD खींच रही है उसको, और अपने जो कांग्रेस से बालाजी है उनको अंग्रेज साल वाल खींच रहा है पीछे ने। अच्छा, आशा जी को वो आपस में खींचा था नहीं, मैं वो भारतीय मिंटा के बाहर नहीं निकलेगा कोई भी। अच्छा, आपस में खींच खींच के वही बिठा देगा। अच्छा, और आशा जी को कोई नहीं खींच रहा, आशा जी को सभी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। और सबका साथ सबका विकास लेकर के पढ़ी लिखी है एमपी ने। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हल्के से हमारी जो नुमाइंदी है, जो बीजेपी ने जिनको कमल का फूल थमाया है, वो एमपी है, इनके बराबर कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखती है और इनको गाँव की हर समस्या का पता है और सभी समस्याओं को दूर कर देंगे। पाँच और लोग भी हमारे साथ हैं, महिलाएं भी, महिलाओं से भी हम बात करेंगे। पहले एक, हाँ जी आप बताओ कैसा इस साइड आ जाइए। हाँ जी, जो परंपरा से लेके, हाँ जी, जिसके साथ में आज तक जनभावना रही है जी, वो हमेशा जीते हैं जी, उसको पार्टी की भी इतनी जरूरत नहीं होती, जो जनभावना इतनी है इसकी जी, इतनी सारा हरियाणा में किसी की नहीं, आशा खेदड़ की, आशा खेदड़ की इतना काम कर रखा है थी, बगैर टिकट भी 5 साल तो MLA नहीं थी जी, नहीं थी, जब भी लोगों के जनभावना के काम करे हैं अल जी, चाहे भाईचारे का है चाहे किसी बात का है, सारा अल करे। तो इस हिसाब से आपको चेहरा बढ़िया है जी, सारा लोगों के जनभावना का प्रश्न जी, वो आदमी बनाया करे जो जनभावना का प्रश्न, तो इस बार आपको चेहरे कमल खिलेंगे? हाँ बिल्कुल, चेहरे प्रश्न को नहीं, लोगों का जनभावना का प्रश्न को नहीं जी, क्या करें जी। और लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ पे महिलाएं भी, महिलाएं आप आज ये बात करते हैं। हाँ जी, आप बताओ कि क्या लगता है, जैसे अभी आशा जी मिलके गए आपसे, क्या उम्मीद है? मेरी तो यही उम्मीद है कि ये कमल का फूल खिले, और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे गाँव की पानी की समस्या, बिजली की, और एक यहाँ पे कॉलेज नहीं है, लड़कियों के लिए स्कूल होना चाहिए जिसमें कॉमर्स और मेडिकल नॉन मेडिकल होने चाहिए, ताकि लड़कियों को आगे बढ़ने की समस्याओं से वो ना हो, क्योंकि घर पे गांव में 8 तक का इतना ही पढ़ाते हैं, घर वाले सोचते हैं कि आगे जाके बच्चे वो हो गए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे पास में कॉलेज हो, स्कूल हो हमारे गाँव का बढ़े। तो आपको क्या लगता है, आशा जी युवा भी है, पढ़ी लिखी भी, एक महिला भी है, एक महिला के सामने अपना दुख होने के लिए या कोई समस्या रखने के लिए कितना मतलब वो होगा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, एम फिल बता रहे हैं कि वो इतना पढ़ी लिखी है, तो वो हमारी समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से समझेगी, और इन्हीं समस्याओं को समझते हुए तो हमारे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आज तक जो आए हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वोटिंग के टाइम आते हैं उसके बाद तो गांव में दिखाई भी नहीं देते हैं, तो मेरी तो यही उम्मीद है कि ये वोटिंग के बाद भी हमारे गांव के आते रहे और हमारी समस्या को। जी, जैसे कि लोगों ने कहा कि जैसे कि आशा मैडम, जैसे आशा खेदड़ MP ले पढ़ी लिखी है और महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए ये कार्य करेंगे, और एक महिला अपने दुख बताने के लिए, आशा खेदड़ एक महिला होने के नाते उनके सामने दुख भी रख सकते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मैम सुनीता जी थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप बताइए जैसे गाँव में कैसा माहौल है, क्या लगता है तो किसको जिताओगे? थोड़ा तेज बोलिए, सुनाई नहीं था। कमल के फूल को, तो कमल के फूल में ऐसा क्या है जो कि आप कह रहे उठाएंगे? कमल के फूल ने काम किया है। हाँ। तो आशा जी आपके पास आई हैं, आपके क्या वादे करके कहेंगे, किस तरह के हमें जिताओ और क्या करेंगे? अच्छा, तो लोगों का ये है कि महिलाओं से हम बात कर रहे हैं, ताई आपसे बात कर लें। हाँ जी, किसको जिताओगे? बेरे नहीं है आपको? नाम कोनिया है। अच्छा, नाम कोनिया मन है। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, ना जिताओगे तो नाम ध्यान को नहीं आपके? हाँ, तो मन बता रहा हूँ, आशीर्वाद तो दे बैठे वाला, नाम को नहीं ध्यान। अच्छा, आप किसको जिताओगे? अच्छा, तो सरकार से क्या सोचते हो, क्या होना चाहिए बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए? अच्छा, पानी की समस्या है, पानी की समस्या है, तो कौन सी समस्या, खेतों में कौन सी समस्या, दम में कौन सी समस्या है? तो अगर आशा यहाँ से जीत के जाएंगे तो आपको लगता है कि समस्या हल होएगी? हल होएगी तो जीताओगे? जिताओगे जी। आप बताओ जी क्या कहोगे आशा को जिताने के लिए? जिताओगे? कितने वोटों से जिताओगे यहाँ से भाई जी? अपना दे जाएगा। अच्छा,
तो यहाँ की समस्या हल हो जाएगी? कोशिश खूब कर, खूब कोशिश है। जैसे यहाँ पे महिलाएं लोगों से हम बातचीत की, लोगों का एक तरफ है कि आशा मैडम एक ना मिलनसार हैं और पढ़ी लिखी हैं और पहली बार कमल खिलेगी, तो यहाँ से उनका जो विकास कार्यों के लिए उकलाना हल्के की दशा को दूर करने के लिए आशा खेतर का अहम भूमिका रहेगी। और यहाँ पे मेन समस्या पानी की, खेतों में पानी की है और कई जगह बिजली की भी समस्या है तारों को लेकर, और मेन समस्या स्टूडेंट की बसों को लेकर है, बसों में जाने आने के लिए बच्चों को दिक्कत होती है। उन समस्याओं को लेकर आशा खेतर ने इसको विश्वास दिलाया है अगर जीत के जाती है तो उन समस्याओं को हल करने में पूरा वो करेंगी, कोशिश करेंगी। मेरे सहयोगी चीनों के साथ मैं उकलाना हल्के से रमेश शर्मा, सिटी न्यूज़ के लिए।